हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द ग्रामर टॉपिक। टुडे वी विल स्टार्ट द टेंस। यू हैव ऑलरेडी डन इट इन द प्रीवियस क्लास, बट आई विल टेल यू अबाउट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेंसेस। आपको बेटा टेंसेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहले भी आपने किए हुए हैं, आपको सबसे जो टेंसेस का जो पार्ट है, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, वो बड़े अच्छे से अच्छे ढंग से आपको करना है। और कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये सभी जानते हैं। टेंसेस के बिना यू कांट एनी टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ टेंसेस। तो टेंस का बहुत ही हेल्पफुल आपको यूजेज, आपको इनका यूजेज आपको पता लगेगा। और सबसे पहले तो आपको ट्रांसलेट करने में ही कितना हेल्पफुल होता है ये आप जानते हैं। इंग्लिश, जैसे हिंदी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कितने भी टॉपिक हैं आपके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हों, और भी कोई भी जो टॉपिक हैं आपके ग्रामर के, वो टेंसेस से ही रिलेटेड होते हैं। अब सबसे पहले जो हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं, सभी को पता है टेंसेस जो पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, थ्री पार्ट्स होते हैं। ये होता क्या है? द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द एक्शन और टाइम। जो टेंस की वर्ब होती है वो जो एक्शन है यानी कि कार्य और टाइम के बारे में बताते हैं। तो बेटा जैसा कि हमने डेफिनेशन को लिखा हुआ है, द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन। इसको सेंटेंस के लिए तो हेल्पफुल है ही बेटा, ये आपके और इस क्लास में भी, इन एट्थ क्लास एंड नाइन्थ क्लास एंड ऑनवर्ड, ये आपके फिलअप करने के लिए यानी कि टेंसेस को फिल करने के लिए जो एक्सरसाइज आती हैं उसमें भी आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। अभी आपका जो हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस जो करेंगे हम, कैसे करना है आपको वो ध्यान रखना है। टेंसेस के थ्री पार्ट्स होते हैं सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद इनके पार्ट्स लिखने हैं। अभी सभी के जो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी के हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो है सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इन इनडेफिनेट भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से ही हमारे ये प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। आपको एक चार्ट के द्वारा अपनी नोटबुक के ऊपर ये जो सारे सेंटेंसेस हमारे, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, सेंटेंसेस मतलब फॉर्मेट इसका जो प्रेजेंट का है वो एक ही पेज पर, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे नोटबुक का हमारा ये पेज है तो आपको इसके थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड करना है इसको ऐसे। अब इसमें जो हम करेंगे सिर्फ करेंगे प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट का ऐसे करना है इसको आपको। बेटा आपका जैसे ये नोटबुक का पेज है एक, इसमें क्या करना है आपको, इसमें इनडेफिनेट कर रहे हैं हम, इनडेफिनेट मतलब फर्स्ट वाला जो टेंस है उसको करेंगे। तो इनडेफिनेट में यहां पर आपका हो गया प्रेजेंट का, दूसरे में हो गया आपका पास्ट का,
और थर्ड में हो गया आपका फ्यूचर का। इस तरह से हम चार्ट बनाएंगे। एक पेज पर आज जैसे हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट कर रहे हैं। इनकी हिंदी में पहचान क्या होती है ये आपको बताया जाएगा, साथ में इसका जो फॉर्मेट है इंग्लिश में स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर भी आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ आप ऐसे ही करेंगे, ये जैसे नोटबुक का पेज है आपका, इसमें यहाँ लिख देंगे आप इंडेफिनेट, ये प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, या सिंपल सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद आपका सेकंड पेज आएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक जैसे भी होगा आपका उसमें बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपका होगा कॉन्टिन्यूअस का, इसका होगा कॉन्टिन्यूअस का। तो इस तरह से ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जिस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चार्ट बनाना है। एक नोटबुक जो आपकी एक नोटबुक है उसका जो पेज है उसमें आपको ऐसे थ्री पोर्शन के अंदर उसको डिवाइड कर देना इक्वली, और थ्री पोर्शन के अंदर अब किस तरह से हम कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट वाला है जो हमारा वो है प्रेजेंट इन डेफिनेट, इट मींस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो हिंदी में जो पहचान होती है वो लिखनी है। अब कैसे करनी है, इसमें लास्ट में बेटा सेंटेंस के लास्ट में हमारा आता है ता है, ती है और ते है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो हिंदी में पहचान है। और इंग्लिश में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट लगाते हैं हम, वी फर्स्ट लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं, देन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम एक लिखेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब आपने देखा कि सब्जेक्ट आ गया यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एस या ई एस आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। एस या ई एस का ध्यान रखना है आपको कहां यूज होगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम यानी कि कोई भी एक व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो हमें उसके अंदर यूज करना है वी फर्स्ट एस और ई एस, ये यूज करना है, और आई वी यू एंड दे एंड प्लूरल इनके अंदर वी फर्स्ट का ही यूज होगा। ये आपको पीडीएफ में भी बता दिया जाएगा और यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे ही आया यहाँ पर फॉर्म लगानी है हमें, और फॉर्म के बाद एस या ई एस आएगा, ये हमने बता दिया है। फॉर्म अगर जैसे गो हो या लास्ट में सी एच हो या डबल एस हो और यहाँ पर इनमें से हो तो हमारा ई एस लगता है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज हम एस एस लगाते हैं। क्लियर हो गया। अभी ये भी आपको लिखना है, और इसके बाद आपका जैसे नेगेटिव में हम करेंगे, नेगेटिव का जो फॉर्मेट है वो ये है, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद होगा डू नॉट या डज नॉट, डोंट और डज, डजंट जिसे हम कहते हैं, प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर्म लगानी है इसके बाद पहले वी फर्स्ट ही लगेगी, अब ये ध्यान रखना वी फर्स्ट। अब डू और डज का यूज हो गया हमारा तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब ये किन के साथ आता है, डज हमारा जो यूज हुआ था वो यूज हुआ था ही सी इट, यानी कि जो एस या ई एस जिनमें आएगा, जिन सब्जेक्ट के अंदर एस या ई एस यूज होता है उन्हीं के अंदर हम डज का यूज करेंगे। ई एस देख लेना, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया था, यहाँ ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो इसलिए हम फिर बाद में जो फॉर्म होगी उसका जो यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का ही करेंगे। जैसे ही डज नॉट आपको यूज करना है, ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हमें क्या यूज करना है,
डज करना है. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ये इसी के अकॉर्डिंगली हमने बना दिया है नेगेटिव का. ये एग्जांपल हो गया हमारा. उसके बाद इंट्रोगेटिव अगर हम करेंगे तो इंट्रोगेटिव के अंदर हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी बता देता हूं मैं. इंट्रोगेटिव के अंदर डू और डज बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आएंगे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट. अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा डू आएगा डज आएगा. ही सी इट और सिमिलर नेम है तो डज आएगा, अदरवाइज डू आएगा. आई वी यू दे फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये हमारा इंट्रोगेटिव के अंदर होगा. तो ये आपने इसका एग्जांपल और कर लेते हैं. इसका एग्जांपल होगा डू यू प्ले हॉकी. अब देखो यू है तो इसलिए हमने क्या यूज किया है डू. ही सी इट और सिमिलर नेम होता तो इस पर डिपेंड होता, यानी कि यहां सब्जेक्ट हमारा जो होगा इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. इफ द सब्जेक्ट इज ही सी इट और सिमिलर नेम देन वी हैव टू यूज डज. इफ द सब्जेक्ट इज आई वी यू दे सो वी हैव टू यूज डू. यहां पर यू है तो हमने यूज किया है डू. तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने ये सेंटेंस बनाया. लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. डू और डज में से एक लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, देन ऑब्जेक्ट लगा दिया. इस तरह से आपको ध्यान रखना है. ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर जैसे यहां पर हमारा आ गया, यहां प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अगर आपको लगता है कि ये कंप्लीट तीन पोर्शन के अंदर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, फिर इस यूज करिए. आपको क्या करना है, जो भी आपका अगर लगता है कि तीन पोर्शन के अंदर नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, इसको फिर इनको हटाओ, फिर पूरे में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लिखो. ऊपर टाइटल डालो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट. फिर आप यहां पर हिंदी, इंग्लिश, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ऐसे आप कर सकते हैं. हिंदी में क्या पहचान होती है, इंग्लिश में क्या लगाते हैं, और नेगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव कैसे होता है. इस तरह से अगर आप ऐसे तीन पोर्शन के अंदर करोगे तो शायद एग्जांपल के साथ और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के भी एक एक एग्जांपल आप लिखोगे तो शायद नहीं हो पाएगा, इट कांट पॉसिबल. तो इसलिए आपको एक ही पेज पर कर लेना है. अगर लगता है कर लोगे तो फिर उसको थ्री पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देना. और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं और एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ. दे प्ले, प्ले का छोड़ते हैं. दे क्रॉस द रोड डेली. तो देखो यहां पर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ये सिंपल वाला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव का. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन टाइप में होते हैं. वैसे तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव भी होता है हमारा. और सब्जेक्ट हमारा ये आया है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे और प्लूरल में होगा तो हमारा यहाँ पर जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी. अगर इसको हम ऐसे करते हैं, सी राइट्स अ लेटर. आपने देखा कि ये सब्जेक्ट ही सीट और सिंगुलर नेम है तो हमने यहाँ पर यूज किया है एस या ईएस. अब मैंने बताया था अगर फॉर्म ऐसे होगी जैसे गो आया है पीछे ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, तो हमारा ई एस ई एस ई एस ही आएगा. अगर यहाँ पर ही सी इट और सिमिलर नेम होगा तो, ही सी इट और सिमिलर नेम होगा तो वो हमारी एस ई एस का यूज होगा, अदरवाइज एस एस लगेगा अगर यहाँ पर ही सी इट सिमिलर नेम है तो. नेगेटिव इसका हम अगर नेगेटिव करेंगे, सी नेगेटिव में मैंने बताया आपको डू या डज, यानी कि इनमें से यूज करना है, फिर नोट लगाना है. तो सब्जेक्ट हमारा अगर सी है, ही सी इट और सिमिलर नेम है तो हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट. सी डज नॉट राइट अ लेटर. अब बेटा आपने देखा कि जो ये सब्जेक्ट है इसके साथ डज ई एस वाला यूज हुआ है, क्योंकि फॉर्म में हमारा ई एस पहले लगाते थे अगर सिंपल वाला सेंटेंस है, बट यहाँ पर ई एस पहले ही आ गया है तो यहाँ पर जो फॉर्म लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे. इंट्रोगेटिव अगर करते हैं, डू यू वॉच
मूवी डेली। तो हमने देख आपने देखा कि डू का यूज हुआ है हमारा यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंगली हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली। इसमें हम एस सी आई एस लगाते ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम उसको बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें डू और डज का यूज करना होता है। नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का वो होगा सब्जेक्ट के बाद, और इंट्रोगेटिव में डू और डज का वो होगा बिफोर सब्जेक्ट। इस तरह से आपको यूज करना है। अभी आज जो हम करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही करेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।